हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। नर्मदे हर जय महाकाल, सत श्री अकाल आदाब। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी कुट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, राइट। सो अब माता पिता की फिक्र को फख्र में बदलने का समय है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और हम अभी दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और टुडे इज द थर्ड लेक्चर। सो आई होप आपको दोनों वीडियोस पसंद आए होंगे और दोस्तों ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, कोशिका सिद्धांत संरचना एवं कार्य, सेल थ्योरीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, क्रोमोसोम बना होता है। ऑप्शन है डीएनए से, आरएनए से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर लिपिड से। सो आंसर हो जाएगा ए, डीएनए से। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018। क्वेश्चन नंबर 2, 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है, मोनोसेमिक, मोनोप्लोइडी, ट्रिप्लोइडी या फिर ट्राइसोमिक। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन LSA एग्जाम 2018। सो आंसर इज ट्राइसोमिक। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों और पसी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? ल्यूवेनहॉक के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन, स्लेडन और स्वान या फिर पुरकिंजे। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा स्लेडन एंड स्वान। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन या फिर यूरेसिल। आंसर हो जाएगा डी, यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की खोज की गई थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक द्वारा, ऑप्शन बी विलियम हार्वे द्वारा, ऑप्शन सी क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, ऑप्शन डी लुइस पाश्चर द्वारा। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास रॉबर्ट हुक द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस 2016 में। क्वेश्चन नंबर 6, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है लैमार्क, डार्विन, हुकर या फिर सटन ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था RSM SSB LDC 2018। सो आंसर हो जाएगा सटन ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी या फिर फंगी। ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा विषाणु मतलब वायरस। क्वेश्चन नंबर 8, अनुवांशिकी विज्ञान की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन है जीन, युग्मक, गुणसूत्र या फिर कारक। ये क्वेश्चन पूछा गया था टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में। आंसर हो जाएगा हमारा जीन। क्वेश्चन नंबर 9, पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? मृदुतक में, दृढ़ोतक में, जाइलम या फिर शीर्षस्थ विभाज्योतक। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017। आंसर हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्योतक। क्वेश्चन नंबर 10, पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है जल आशय, ऑप्शन बी पर्णहरित, ऑप्शन सी भोजन संग्रहण या फिर ऑप्शन डी रिक्तिका। आंसर हो जाएगा डी, रिक्तिका। एमपी कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन है गॉल्गी कॉय में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी माइटोकांड्रिया में या फिर ऑप्शन डी सेंडोसोम में। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2006। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, पादप में, जंतु में, जीवाणु या फिर कवक। आंसर हो जाएगा हमारे पास बी जंतु में। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में। क्वेश्चन नंबर 13, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे सवालों में, कवकों में या फिर लाइकेन में। आंसर हो जाएगा हमारा ए जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है
नाल और रस्का ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक तथा ब्राउन ने, या फिर वाटसन तथा क्रिक ने। आंसर हो जाएगा हमारे पास नाल और रस्का ने। ये राजस्थान बीयर 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? ऑप्शन एच न्यूक्लियस तथा राइबोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियस राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई युग्म किसी दाहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपोगैमी, पार्थेनोकार्पी, सिंगैमी या फिर एपोस्फोरी। ये क्वेश्चन पूछा गया था पंचायत ऑफिसर 2017 का। सो आंसर हो जाएगा एपोस्फोरी। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन एच राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियोलस। आंसर हो जाएगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, किसको कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? ऑप्शन इज यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़े या फिर पुटी, इसे वेसिकल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था महिला सुपरवाइजर 2017 में। आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिग्रह मतलब पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है एटीपी से, एडीपी से, एएमपी से या फिर विटामिन से। आंसर हो जाएगा एटीपी से। आरपीएससीएलडीसी 2012 का क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन है गोल्गी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। आंसर हो जाएगा हमारे पास डी लाइसोसोम, पाचन थैली, इसे आत्महत्या थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से लिंग गुणसूत्रों के कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? वाई एक्स वाई, एक्स एक्स या फिर डबल एक्स वाई। आंसर हो जाएगा बी एक्स वाई। एनटीटी एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन इज ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 23, बायोप्सी क्या है? ऑप्शन है अंगों का प्रत्यारोपण, ऑप्शन बी मृत शरीर के अंगों का अध्ययन, ऑप्शन सी जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जाँच या फिर ऑप्शन डी ऊतकों पर विषैले प्रभाव का अध्ययन। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीएसआई एग्जाम 2007 और आरपीएससी एग्जाम 2003। आंसर इज सी जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जांच। क्वेश्चन नंबर 24, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोफिल। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एसडब्ल्यूएससी क्लर्क 2016 में। आंसर हो जाएगा हमारा राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 25, डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोसाइड्स में होता है, पीजीटी अंग्रेजी 2016 में। ऑप्शन हो जाएंगे नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज सरकरा, ऑप्शन बी नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज सरकरा प्लस फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन सी केवल नाइट्रोजनी क्षार और ऑप्शन डी हो जाएगा पेंटोज सरकरा प्लस फास्फोरिक अम्ल। आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज सरकरा प्लस फास्फोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 26, मानव कोशिका में होते हैं, ऑप्शन ए 44 क्रोमोसोम, ऑप्शन बी 48 क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी 46 क्रोमोसोम्स या फिर ऑप्शन डी 23 क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसडब्ल्यूएससी क्लर्क 2016 में। आंसर हो जाएगा हमारा सी 46 क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 27, समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, टोलोफेज या फिर इंटरफेज। ये क्वेश्चन पूछा गया था हेडमास्टर 2018 में। आंसर हो जाएगा हमारा बी मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 28, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है, जल, जीव द्रव्य, कोशिकांग या फिर नाभिक। आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आ रही होगी, और ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल और आप अच्छे से पढ़ना। मैं भी कोशिश करें बहुत अच्छे से पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए आरएनए प्रोटीन्स या फिर इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी 2016 में, सो आंसर हो जाएगा आरएनए। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका का सख्त ग्रह किसको कहते हैं, ऑप्शन है केंद्रक, तारक काय, गोल्गी काय या फिर माइटोकांड्रिया, आंसर हो जाएगा हमारे पास माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर 31, क्रेप्स का चक्र संपन्न होता है केंद्रक में, माइटोकांड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या फिर हरित लवक में, आंसर हो जाएगा हमारा बी माइटोकांड्रिया में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं, ऑप्शन है हमारे पास आयनिक, सहसंयोजक, सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन, आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आज का था RSM SSB LDC 2018 में। क्वेश्चन नंबर 33, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआईआरएनए या फिर एमआरएनए, ये क्वेश्चन पूछा गया था लैब असिस्टेंट 2018, आंसर हो जाएगा हमारा आरआरएनए। क्वेश्चन नंबर 34, वाटसन एवं प्रिक ने डीन के डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया 1953 में, 1963 में, 1973 या फिर 1959, सो आंसर हो जाएगा हमारा 1953। RSM SSB LDC 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रतिलिपिकरण या फिर उत्परिवर्तन, सो आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, गुणसूत्र की संरचना से निम्नलिखित होते हैं, आरएनए एवं हिस्टोन, डीएनए एवं हिस्टोन, डीएनए आरएनए एवं हिस्टोन या फिर डीएनए व आरएनए, सो आंसर विल बी सी डीएनए आरएनए एवं हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 37, 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, 8, 32, 16 या फिर 63, सो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी 32। RPSCHM 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनस क्षारक है यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन या फिर एडिनिन, सो आंसर हो जाएगा हमारा यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 39, एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट विभाजित होती है और एक प्याला भरने में घंटा समय लगता है, तो आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन है 60 मिनट, 29 मिनट, 59 मिनट या फिर 30 मिनट, सो आंसर विल बी सी 59 मिनट। क्वेश्चन नंबर 40, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया क्या नाम है, थैलोफाइटा, प्रोटिस्टा, मोनेरा या फिर कवक, सो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटिस्टा। एमपी पुलिस 3 सितंबर 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया एक नाम बताइए, सो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रोटिस्टा। और क्वेश्चन नंबर 41, किस कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, रिक्तिकाएं, माइटोकांड्रिया, नाभिक या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, आंसर हो जाएगा हमारे पास माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर 42, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, अंतःप्रद्विजालिका या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सो आंसर हो जाएगा हमारा ए लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 43, कोशिका की आंतरिक परत है जो डिंबावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है, टोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट, एंडोसिस्ट या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट, सो आंसर हो जाएगा हमारा ब्लास्टोसिस्ट। महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिकीय पूर्ण सत्यता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, कोलिकर, स्कूब, हैबरलैंड या फिर विल्किंस, आंसर हो जाएगा हमारा हैबरलैंड।
क्वेश्चन नंबर 44। कोशिकीय पूर्ण सत्यता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं कोलिकर, स्कूग, हैबरलैंड या फिर विल्किंस। सो आंसर विल बी हैबरलैंड। क्वेश्चन नंबर 45। डिम्बावस्था के डिम्ब के बाह चर्बी से बनता है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल या फिर नाड़ी संस्थान। सो आंसर विल बी नाड़ी संस्थान। महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी 2018 का क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 46। प्रोटीन संश्लेषण होता है ऑप्शन इज राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 47। प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं कहाँ, लाइकेन में, बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरिया में या फिर वायरस में। सो आंसर विल बी सी बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा कोशिकाओं का भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, पॉइंट टू बी नोटेड नहीं होता है, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी कोशिका भित्ति। अब आगे बढ़ते हैं टेट की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है, मतलब नॉट प्रेजेंट, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर हरित लवक। सो आंसर विल बी सी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 2। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतम चीनी और नमक के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, ऑप्शन बी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, ऑप्शन सी खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, और ऑप्शन डी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। सो आंसर हो जाएगा वायर डी, आंसर इज डी, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बायोप्सी संबंधित है। पहला है मृत्यु का कारण जानने के लिए, ऑप्शन बी बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, ऑप्शन सी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, या फिर डी हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से। सो आंसर हो जाएगा बायोप्सी परीक्षण करने के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 20, 36, 46 या फिर 96। आंसर विल बी सी 46। क्वेश्चन नंबर अब आगे है रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। आरएनए का मुख्य कार्य है पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों या फिर कोई नहीं। सो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी अहमदाबाद 2004 में। क्वेश्चन नंबर 2। कोशिका प्रकार्यात्मक मतलब फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, जीव द्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकणिका या फिर केंद्रक। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 3। जीन परिवर्तन किस में होता है, डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम्स में या फिर राइबोसोम्स में। सो आंसर विल बी ए डीएनए में। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, लाइसोसोम, गॉल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम या फिर राइबोसोम। सो आंसर विल बी ए लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 5। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, गॉल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारे पास सी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 6। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका या फिर प्लाज्मा झिल्ली। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए कोशिका भित्ति। आरआरबी गोरख टीसी परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस या फिर नाभिक। सो आंसर विल बी डी नाभिक। ये क्वेश्चन था आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का। क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका के चार अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं, कोशिका द्रव्य,
कोशिका कला, नाभिक या फिर लवक। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास लवक। आरआरबी चेन्नई टीसी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्टोसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोसर या फिर लिम्फ कोशिकाएं। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास न्यूरॉन। आरआरबी 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण या फिर हार्मोन का स्रवण। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है अर्धसूत्रण दो चरण में होता है। दूसरा, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तीसरा, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। या फिर चौथा, जनन ग्रंथि गोनाड भी अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली, सेल प्लास्ट या फिर नाभिकीय झिल्ली। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, प्लाज्मा झिल्ली। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आरआरबी इलाहाबाद एसी सीसी या फिर टीसी परीक्षा 2006 में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवक, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से हर गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारों का विश्लेषण या फिर आरएनए संश्लेषण। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, प्रोटीन संश्लेषण। आरआरबी इलाहाबाद 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक या फिर नाभिक। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, कोशिका। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 16, सजीवों की क्या पहचान है? श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण या फिर सभी। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःपृद्वी जालिका, नाभिक, गोल्गी बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, नाभिक। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस या फिर मियोसिस दोनों, न सूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास केवल समसूत्रण। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 19, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स कहा गया? ग्रेगर मेंडल, सी कॉरेंस, एच जे मूलर, डब्ल्यू वैटसन या फिर कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू वैटसन। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2002 में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बनी होती हैं? लुई पाश्चर, एम जे स्लाइडन, रॉबर्ट हुक या फिर टी स्वान। सो दोस्तों याद रख लेना, स्लाइडन एंड स्वान का नाम साथ में आता है। सो आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र है नई दिल्ली, पटना में, जयपुर या फिर हैदराबाद। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी है? अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए या फिर नाइट्रोजन बेस। सो आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर का क्वेश्चन है 2002 का। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल या फिर प्रोटीन। आंसर हो जाएगा जल। आरआरबी एसएसई 2014 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल
प्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, केसेथोफाइल्स या फिर क्लोरोफिल? सो आंसर हो जाएगा बी, एंथ्रोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 25। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होती हैं 10, 15, 20 या फिर 25? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, 20। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या फिर यूरिया? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, क्लोरोफिल। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27। हेलो दोस्तों, आई होप आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। और ये आरबीडी पब्लिकेशन की जीव विज्ञान की बुक है और इसके लेखक हैं खान सर। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बड़ा करके। इवन कई दोस्तों का प्रश्न आ रहा था कि मैडम ये क्वेश्चन कौन सी है, बुक कौन सी है। ये आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, 15,000-30,000 वर्षों के साथ वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 चल रहा था हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 एक सुमेलित करने का क्वेश्चन है, आप एक बार इसे खुद से सॉल्व कर लेना, मैं इसे कर नहीं रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 28। आनुवंशिकी परिवर्तन इनमें होता है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स या फिर राइबोसोम्स? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 29। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बैंगलोर में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 30। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता 2007 और आरआरबी महेंद्रुघाट 2007। ऑप्शन इज कॉर्नबर्ग, जॉनसन, बेथसन या फिर ओचोया? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, कॉर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 31। कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? पॉइंट टू बी नोटेड नहीं, आरआरबी एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन एच, जीवाणु, कवक, शैवाल या फिर विषाणु? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 32। अमीनो अम्ल मिलते हैं स्टार्च में, वसा में, तेल में या फिर प्रोटीन में? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 33। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या फिर प्रोफेज? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, क्लोरोप्लास्ट। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 36। पौधों में कोशिका का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज? आंसर विल बी बी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 37। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होता, तारक केंद्रक नहीं होता या फिर हीमोग्लोबिन नहीं होते? सो आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से कुछ भी नहीं होता है। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें भित्ति कोशिका नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्रक नहीं होते और हीमोग्लोबिन नहीं होते। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखा हुआ है और आज हमारा चैप्टर था कोशिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और अगर आपको रिवीजन की भी जरूरत पड़े तो प्लीज़ आप एक बार और देख लेना, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये अब तक आई थिंक सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक भी रहा है कोशिका।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।